वहीं मुख्यमंत्री योगी के अयोध्या दौरे को लेकर जहां विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं यूपी सरकार के मंत्री उल्टे विपक्ष को ही घेर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की माने तो विपक्ष को सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए, और वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर दावा किया है कि 125 करोड़ देशवासियों की आराध्य को जल्द ही टेंट से मुक्ति मिलेगी और भव्य राम मंदिर बनेगा। अब कोई मुख्यमंत्री जाए और वहाँ पे रामलल्ला बसे हों, उनका आशीर्वाद ना ले, तो वो स्वयं में एक प्रश्न उठता है। जब बनारस गए थे वहाँ भी गए थे काशी विश्वनाथ के मंदिर में, मथुरा जाते हैं तो वहाँ भी जाएंगे, जब वृंदावन गए, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब किसी की आस्था है अयोध्या जाके वहाँ पे रामलल्ला का आशीर्वाद लेने में, तो ये विपक्ष जो है उसको ये सोचना चाहिए कि आपके पास सकारात्मक कोई सोच है तो आइए। ये तो दुर्भाग्य है भारत का कि आजाद भारत जब हुआ तो मजहब के आधार पे हुआ, और उस भारत में हिंदू के आराध्य टेंट में हों, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। मुझे पूरा उम्मीद है कि भारत के 125 करोड़ लोग मिलकर के मंदिर बनेगा और टेंट से रामलला निकलेंगे, राम की मंदिर 200% बनेगा। हमने कोर्ट पर भरोसा किया है, कोर्ट 125 करोड़ भारत के श्रद्धालुओं के विपरीत नहीं जाएगा।